Good morning, students. This is the third and final video of chapter two of the chapter File Management and Organization of Data. Working with multiple applications, Windows and other modern operating systems allow us to work with more than one program at a time. This is called multitasking. For example, we are listening songs. That time we can print letters and also we can chat online with our friends. So this is called multitasking. स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं जैसे हमने कंप्यूटर में सॉन्ग्स सुन रहे हैं उसी समय हमने लेटर्स को भी प्रिंट में लगा रखा है और हम अपने फ्रेंड से ऑनलाइन चैट भी कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड मल्टी इसमें कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि सभी वर्क को जो भी उसको टास्क मिला होता है उसको मैनेज करता है शेड्यूल करता है ठीक ढंग से विंडोज मैनेज एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स इन द मेमोरी एंड कंट्रोल्स द द टू शेड्यूल टास्क इसमें सारा कुछ काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है कि कितना मेमोरी किसको देना है कौन सा प्रोग्राम को पहले करना है कौन सा प्रोग्राम को बाद में करना है और वो इस तरह से मैनेज करता है इन सच अ वे दैट दे ऑल रन स्मूथली कि सभी काम ठीक ढंग से हो पाए इसे हम बोलते हैं मल्टी टास्किंग स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे टास्क मैनेजर के बारे में कि टास्क मैनेजर क्या होता है Task Manager gives us the details of all the programs and services that run on computer. It has following details. ये देखिए एक Task Manager का विंडो है यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं जो कि ओपन होते हैं और बहुत सारा चीज़ों के बारे में हमें इसे बताता है आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे टैब्स हैं प्रोसेस परफॉर्मेंस ऐप हिस्ट्री स्टार्टअप यूजर्स डिटेल्स सर्विसेस और इसमें देखिए जो भी प्रोसेस रन कर रहा है जो भी कंप्यूटर में ओपन है ये सारे प्रोसेसेस रन कर रहे हैं और इसमें सीपीयू का कितना यूज हो रहा है मेमोरी का कितना यूज हो रहा है ये सभी डिटेल्स इसमें बताते हैं स्टूडेंट्स टास्क मैनेजर में ये बहुत सारे जो टैब्स हैं उसके बारे में अब हम समझते हैं जैसे फर्स्ट टैब है जिसे हम बोलते हैं प्रोसेसेस हाउ मच मेमोरी सीपीयू डिस्क स्पेस एंड नेटवर्क बैंडविड्थ ईच प्रोग्राम इज यूजिंग इसमें हम ये जानते हैं कि जो भी प्रोग्राम्स रन कर रहे हो उसमें कितना मेमोरी लग रहा है हमारा सीपीयू का कितना यूज हो रहा है डिस्क स्पेस का कितना यूज हो रहा है और नेटवर्क पैड ब्रट यदि है तो उसका कितना यूज हो रहा है जितने भी प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं उसके बारे में नेक्स्ट वन है परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स ये सबसे ज़्यादा काम आते हैं हमारे परफॉर्मेंस हाउ मच सी पी यू मेमोरी डिस्क एंड नेटवर्क आर ओवरऑल यूज यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं यदि नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टेड कुछ काम करते हैं तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके वाईफाई का स्पीड कितना चल रहा है इसमें जब आप नेटवर्क सिग्नल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको वाईफाई इथरनेट सब कुछ दिखता है वहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन हिस्ट्री और उसमें कितने सारे एप्लीकेशन हमने यूज किए हैं वो सभी आपको यहाँ एप्लीकेशन हिस्ट्री में दिखाई पड़ सकते हैं नेक्स्ट वन इज स्टार्टअप प्रोग्राम स्विच रन ऑटोमेटिकली विन कंप्यूटर स्टार्ट एंड विंडोज इज लोडेड ऑन द कंप्यूटर आपने सुना होगा कि जब कभी कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है वो टाइम लेता है दो कारणों से पहला कारण कि उसमें कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है और दूसरा कारण होता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर के ऑन होने के साथ ही मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होते समय ही वो प्रोग्राम भी रन करने लगते हैं जैसे हमारा एंटी वायरस जो कि कंप्यूटर ऑन होने के साथ ही वो रन करने लगता है इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के स्टार्टअप में ही रन करने लगते हैं तो हम स्टार्टअप में जा कर के देख सकते हैं कि कितने सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि रन कर रहे हैं नेक्स्ट है यूजर्स डिटेल्स ऑफ ऑल यूजर्स करेंटली लॉग्ड इन इफ इट इज़ अ नेटवर्क कंप्यूटर यदि हमारा कोई नेटवर्क कंप्यूटर है जिसमें और भी लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन या केबल के थ्रू तो हम उसमें देख सकते हैं कितने लोगों ने उसमें लॉग किया हुआ है कितने लोग अभी उसमें काम कर रहे हैं नेक्स्ट है डिटेल्स विच यूजर इज रनिंग विच प्रोग्राम इसमें हम ये देख सकते हैं कि कौन सा यूजर कौन सा प्रोग्राम को रन कर रहा है उसमें यूजर्स का डिटेल्स दिखेगा और कौन सा यूजर कौन सा प्रोग्राम यूज कर रहा है वो दिखेगा लास्ट वन इच सर्विसेस विच सर्विसेस आर रनिंग सच एच प्रिंट सर्विसेज सर्च सर्विसेस पावर ब्लूटूथ वाईफाई ऑडियो फैक्ट थीम्स लोकेशन एक्सेट्रा इसमें हम ये देख सकते हैं कितने सारे सर्विसेस रन कर रहे हैं स्टूडेंट्स अब हम देखिए यहां पर आपको विंडोज सेवन और विंडोज टेन में किस तरह से टास्क मैनेजर दिखता है आप यहां पे देख सकते हैं विंडोज विंडोज का 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 जो फर्स्ट वन है यह 10 का टास्क मैनेजर इमेज है जो कि आपने पहले भी देखा है और यहां पे विंडोज सेवन का टास्क मैनेजर का इमेज है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं दोनों ही टास्क मैनेजर में डिफरेंसेस है स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे कि हाउ कैन वी ओपन टास्क मैनेजर ओके okay? so we can open task manager in a different manner for that there are more options first one press ctrl shift and escape together to open task manager second option is windows key and x together press windows key and x together to open power menu and select task manager in it and the third option is just do, do right click on the taskbar and select task manager in तीन ऑप्शन से हम टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं जैसे ही टास्क मैनेजर ओपन करते हैं आपको आपको टास्क मैनेजर दिखने लगता है स्टूडेंट्स इसके बाद जब टास्क मैनेजर आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले प्रोसेस टैब है वो अपने आप से खुल जाता है और आपके सामने दिखने लगता है विविन डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम्स इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे प्रोग्राम्स जो है वो करेंटली रन कर रहे हैं आपके कंप्यूटर में और आप सभी कंप्यूटर्स में वो कितना यूज कर रहा है सीपी का कितना मेमोरी का यूज कर रहा है स्टोरेज का नेटवर्क का सब कुछ आपको यहाँ पर दिखते लगता है

सबसे ईजीएस्ट वे है वो ओपन करने का कंट्रोल शिफ्ट और स्केप की एक साथ दबा करके ओपन करते हैं उसमें आप जब ओपन करेंगे तो आपको सारे प्रोग्राम जो कि आपके कंप्यूटर में रन कर रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जिस भी प्रोग्राम को आपको क्लोज करना है एंड करना है उस प्रोग्राम पे आप क्लिक करते हैं वो सेलेक्ट हो जाता है और यहाँ पे एंड टास्क का ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाता है इस इसपे आप क्लिक करते हैं तो वो टास्क आपका एंड हो जाता है वो क्लोज हो जाता है प्रोग्राम इस तरह से आप कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो हैंग हो जाए जो क्लोज करने पर ना हो तो आप उसे क्लोज कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज ऐप हिस्ट्री इन ऐप हिस्ट्री हिस्ट्री टैब इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द द द द प्रोग्राम्स रन बाय यूजर सिंस स्टार्टिंग कंप्यूटर टू क्लियर गो टू ऐप हिस्ट्री टैब एंड क्लिक ऑन डिलीट यूसेज हिस्ट्री ऑप्शन इसमें क्या है जब से हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया है तब से कितने सारे प्रोग्राम को रन किए सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं इसमें आप डिलीट ऐप हिस्ट्री पे क्लिक करके सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं नेक्स्ट मानी जी स्टार्टअप डिसेबलिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम ऑटो स्टार्टअप स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब कभी कंप्यूटर ऑन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा था उसी समय बहुत सारे प्रोग्राम भी कंप्यूटर के साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही वो लोड होने रहते हैं लगते हैं साथ साथ में रन कर लगते हैं कंप्यूटर के ऑन होते के साथ ही उस प्रोग्राम की सारी लिस्ट हमको स्टार्टअप टैब में दिखती है Disable any such programs. उसमें किसी को करने के लिए उसे हम क्या करते हैं? स्टार्टअप टैब में जाते हैं जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पे क्लिक किया हुआ है, और सारे कंप्यूटर्स के प्रोग्राम की लिस्ट यहाँ पर आपको दिख रही है कि हाँ इतने सारे कंप्यूटर आपको स्टार्ट होते के साथ ही वो रन करने लगते हैं इसमें क्या करना है आपको जाने के बाद स्टार्टअप टैब में सिलेक्ट द डिजायर्ड इनेबल प्रोग्राम एंड क्लिक डिसेबल बटन और डिसेबल बटन पे क्लिक करना है जैसे ही आप किसी भी प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनेबल डिसेबल का ऑप्शन है उसमें आप जा करके यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं उस किसी प्रोग्राम को या कोई प्रोग्राम डिसेबल किया हो तो उसे इनेबल भी कर सकते हैं नेक्स्ट इज टास्क व्यू टास्क व्यू में क्या होता है जैसे कि हमने कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन करके रखे हैं तो कितने सारे प्रोग्राम्स ओपन कर सकते हैं सा, सारे ओपन करके रखे हुए सारे प्रोग्राम्स को एक साथ देखना है तो हम टास्क व्यू में देख सकते हैं ऑन ऑन द द टास्क बार लेफ्ट हैंड साइड नेक्स्ट टू सर्च देर इज अ टास्क व्यू बटन आपको क्या करना है टास्क बार में कोर्टाना सर्च के ठीक बगल में जो टास्क व्यू बटन है उस पर क्लिक करना है उसमें जितने भी प्रोग्राम्स हमने ओपन करके रखे हैं जितने भी विंडोज ओपन करके रखे हैं वो सारे आपको एक साथ यहाँ पे इस तरह से दिखाई पड़ते हैं जैसे आपने देखी इस इमेज में वन टू थ्री फोर फाइव फाइव प्रोग्राम्स रन किया हुआ है उसमें जिस भी प्रोग्राम को आपको ओपन करना है उस प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे वो प्रोग्राम आपके सामने खुल जाता है नेक्स्ट वन इज एडिंग न्यू डेस्कटॉप स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत सारे आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप पे तो हमें काम करने में थोड़ी परेशानी होती है उसके लिए हमारे पास एक फैसिलिटी है एडिंग न्यू डेस्कटॉप Adding multiple desktops. If you have kept many icons and files on your desktop, then Windows 10 allows you to add additional desktop. Additional desktops are called virtual desktops. Students, additional desktops ko virtual desktop. Bhi kehte hain. To add a virtual desktop, open Task View and click on the New Desktop icon. To remove the virtual desktop, select the desired virtual desktop and click on the X button. Students, बहुत आसान है इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं न्यू डेस्कटॉप को उसमें आपको कोई भी आइकन नहीं दिखेगा वो वर्चुअल डेस्कटॉप रहेगा उसमें आप अपना काम कर सकते हैं कोई आइकन टेम्परली रख सकते हैं और जैसे ही आपका काम फिनिश्ड होता है आप एक्स बटन को दबा करके उस डेस्कटॉप को क्लोज कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज अरेंजिंग विंडोज

विन दिलेक्टर स्टूडेंट्स करते हैं और हमें ऑप्शन दिखता है आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड रिक्टल में सर्कल्ड हमने करके दिखा रहा है कैसकेडेड विंडो शो विंडोज इज शो विंडोज साइड बाई साइड कैसकेडेड विंडो स्टूडेंट्स इन कैसकेटेड विंडो वी कैन सी हाउ मेनी प्रोग्राम्स आर रनिंग इसमें हम देख सकते हैं कितने सारे प्रोग्राम्स हमने ओपन करके रखे हुए जैसे आप यहाँ देख सकते हैं one, two, three, four, यहां पे प्रोग्राम्स ओपन किया हुआ है कैसकेटेड विंडो में सभी प्रोग्राम्स आपको एक के पीछे एक दिखते हैं और सबका टाइटल बार आपको दिखता है कि कौन कौन सा आप पहचान सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोग्राम हमने ओपन करके रखा है और जिसपे आप क्लिक करते हैं वो प्रोग्राम सामने खुल जाता है बड़ा हो जाता है इसे हम बोलते हैं कैसकेटेड विंडो नेक्स्ट इज स्टैक्ट विंडो स्टैक्ट विंडो में क्या होता है आपने जितने भी प्रोग्राम्स ओपन करके रखे हैं वो सभी एक के बगल में एक दिखते हैं जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक पहला प्रोग्राम दिख रहा है एक दूसरा दिख रहा है और यहाँ पर एक तीसरा प्रोग्राम भी दिख रहा है यहाँ पे तीन प्रोग्राम एक ही उसी स्क्रीन में छोटे छोटे होकर के आपको चारों तरफ फैल जाते हैं और दिखाई पड़ते हैं ये होता है स्टैक्ट विंडो नेक्स्ट विंडो इज विंडोज साइड बाई साइड यदि हमने दो प्रोग्राम रखे हुए हैं या तीन प्रोग्राम रखे हुए हैं तो उसका पूरा का पूरा इंटायर जो प्रोग्राम का एरिया है वो सारा ऑप्शन आपको उसमें दिखता है और वो क्या होता है साइड बाई साइड खुद से अरेंज हो जाता है जब हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं इसमें क्या होता है जैसे आपके टैब्स हैं आइकन्स हैं तो वो आइकन छोटे हो जाएंगे या आइकन के डिस्क्रिप्शन हट जाएंगे इस तरह से वो अरेंज हो जाता है और वो दिखने लगता है हमको जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वन टू और थ्री यहां पे तीन विंडोज अरेंज किए हुए हैं साइड बाई साइड दैट्स ऑल फॉर टूडे स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर थैंक यू